नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ अच्छे क्वालिटी का टेलीविजन यूनिट्स और एबनेट स्टैंड्स के बारे में जो कि आप ले सकते हो अपने घर के लिए। तो ये जब सारे स्टैंड्स आप अपने लिविंग रूम में लगा सकते हो, जहाँ पर आप अपने टीवीज या फिर होम थिएटर्स या फिर स्पीकर्स को रख सकते हो। तो अगर ऐसा ही प्रोडक्ट कुछ आप ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यूज देखो YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों चलिए देख लेते हैं नंबर वन पे कौन सा वाला एलिवेशन यूनिट स्टैंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो नंबर वन पे है फोर्जा की तरफ से है, वो डैनियल टीवी यूनिट लार्ज स्टैंड है, कुछ दिखने में ऐसा है। इसका प्राइस करीब 3,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्राइस मैंने मेंशन किया है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की प्राइस है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे मे बी प्राइस में कुछ वेरिएशन आए, तो इसके लिए मैं नीचे बेस्ट प्राइस बाय लिंक दे के रखा हूँ, वहां पे आप जाइए और तो जाने के बाद उस टाइम में जो भी प्राइस होगा वो आपको दिख जाएगा और ये वाले लिंक से आप इस प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ रिव्यूज बता देता हूँ इस वाले प्रोडक्ट का। तो इसका जो लेंथ विथ और हाइट है 36x16x15 inches का। मटेरियल है इंजीनियरिंग वुड का। इसका जो कलर है वेंच कलर की है। मैट फिनिश आपको दिया जाता है। इसको आपको असेंबल करना पड़ेगा घर में खरीदने के बाद, जो कि आपको कंपनी से वो लोग कर देंगे। वारंटी होता है 30 दिन का वारंटी होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए। तो ये वाला बहुत ही कंटेम्पररी डिजाइन है, रेक्टेंगुलर टीवी यूनिट है और इसमें बहुत सारे ओपन स्टोरेज स्पेसेस भी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कौन सा वाला टीवी यूनिट स्टैंड मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ। तो दूसरा नंबर है ब्लूवुड का रेनॉल्ड रे लॉ यूनिट वॉल यूनिट। तो ये कुछ इस तरह दिखने में है। इसका प्राइस करीब 3,799 रुपये है। अभी बात कर लेते हैं कुछ इसका रिव्यूज की और स्पेसिफिकेशंस की। इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट है 125x31x26 का। मटेरियल है इंजीनियरिंग वुड से बना हुआ। वारंटी आपको 1 साल का इसमें मिल जाता है। ये जो टीवी कैबिनेट है वो कंफर्टेबली एकोमोडेट करता है आपकी सेट टॉप बॉक्स, डीवीडी प्लेयर, एक्सटर्नल स्पीकर्स और बहुत कुछ। अगर आप कोई डेकोरेटिव आइटम्स भी रखना चाहते हैं, बुक्स भी रखना चाहते हैं, वो भी इसमें आपको रखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा जो क्वालिटी है ये वुडन फ्रेमवर्क का और एक फ्लॉलेस डिजाइन है जो कि बहुत ही क्लासी और स्टाइलिश लगता है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वुड से बना हुआ है जो कि है 18 mm थिक प्रीलम इंजीनियरिंग वुड। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे मैं बता देता हूँ कौन सा वाला आप ले सकते हैं टीवी कैबिनेट। तो ये है रॉयल ओक का बर्लिन एंटरटेनमेंट यूनिट, कुछ दिखने में ऐसा है। थोड़ा महंगा है ये, करीब 14,000 रुपये पड़ेगा, पर ये कंप्लीट सेट बन जाएगा। अगर आप लिविंग रूम में इसे रखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखने में है ये। अब इसको देख लेते हैं कुछ रिव्यूज और स्पेसिफिकेशंस। प्रोडक्ट डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन किया है, लेंथ विड्थ और हाइट। इसके बाद इसका जो मटेरियल है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड से बना हुआ है। कलर ब्लैक है इसका। इसका असेंबली भी आपके घर में आर्पेंटर आपके घर में कर देगा। इसके बाद इसका जो एंटरटेनमेंट सेंटर है फंक्शनल है और एस्थेटिक अपील भी बहुत ही अच्छा बनाता है। वारंटी 7 दिन का आपको मिलता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से। और इसका जो टीवी एरिया स्पेस है उसका लेंथ है 120x91x81 cm का। आगे बढ़ते हैं, आखिरी वाला मैं बता देता हूँ कौन सा आप ले सकते हैं टीवी यूनिट कैबिनेट स्टैंड। तो ये है डेकअप का यूनिटी टीवी स्टैंड एंड होम एंटरटेनमेंट यूनिट, को दिखने में ऐसा है। इसका प्राइस करीब 6,199 रुपये है। रिव्यू की बात करूँ तो प्रोडक्ट डायमेंशंस यहाँ पे दिया हुआ है, इंजीनियरिंग वुड और मेलानिन मैट फिनिश से ये वाला बना हुआ है। तो इसमें भी आपको बेसिक असेंबली रिक्वायरमेंट होगा और ये जो बना है कंटेम्पोरेरी डिजाइन स्लीक और स्टर्डी रेक्टेंगुलर टीवी स्टैंड की तरह। और इसमें आपको 2 एडिशनल स्टोरेज कैबिनेट्स भी दिया जाता है इस एंटरटेनमेंट यूनिट के साथ। तो ये था जो 4
अपने टीवी कैबिनेट यूनिट्स, तो इन सब के बेस्ट प्राइस बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाके इन सब को आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।